हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है भरवा लाल मिर्च के अचार की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये जो रेड चिल्ली आप देख रहे हो ना, ये मैं अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट की हूँ, जिसकी वीडियो मैं आप लोग से पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जब भी मार्केट से रेड चिल्ली लेकर आओ तो उसे आप क्या करो कि एक पानी से अच्छे से वॉश कर ले, और उसके बाद आप चाहो तो सनलाइट में रख ले, या फिर अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप उसे किसी सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर एक घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये स्टेप पहले से ही कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आप सबको क्या करना है कि इस तरीके से एक एक आप चिल्ली को ले और इस तरीके से बीच से स्लिट कर दे, मतलब कि बीच से चीरा लगा दे। अच्छे तरीके से आप चीरा लगाए, जिससे कि बस ऊपरी भाग में इसे चीरा लगाना, पूरा कट नहीं करना। तो इस तरीके से आप उसके बाद अपने हाथों की मदद से इसे थोड़ा फैला दे, ये देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद इसके स्टेम को निकाल ले, इसके डंठल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, नहीं तो आपके अचार ख़राब भी हो सकते हैं, इसलिए डंठल ज़रूर से उसके निकाल दें। तो मैं इसी तरीके से सारे चिल्लीज को स्लिट कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे मिर्च को अच्छे से बीच से स्लिट कर दी हूँ, मतलब बीच से चीरा लगा कर रख ली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सबको एक बात बताना ही भूल गई कि यहाँ पे मैं 300 ग्राम्स के करीब मिर्च यूज कर रही हूँ अचार बनाने के लिए। तो अब मैं इसकी मसाला तैयार करूँगी। तो मसाला तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ली हूँ और इसे मैं गैस पर रख दी हूँ। एकदम गैस की फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल ही लो रखें, हाई बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पे मैं मसालों को मेज़र करने के लिए मेजरिंग स्पून का यूज कर रही हूँ। तो आप चाहे तो कोई सा भी स्पून यूज कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बड़ी चम्मच, मतलब एक टेबल स्पून मैं यहाँ पे मेथी के दाने ली हूँ, और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मतलब यहाँ पर मैं सौंफ डाल रही हूँ। अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच खड़े जीरे डालेंगे। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं 5 से 6 पीस में लौंग डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं 10 से 15 दाने में काली मिर्च के भी डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को 4 से 5 मिनट के लिए मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। ज़्यादा बिल्कुल भी इसे रोस्ट ना करें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। 4 से 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, मसाले बिल्कुल ही अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गैस की फ्लेम आपको एकदम लो रखकर ही इसे रोस्ट करना है, और जब ये थोड़ा सा गर्म ही रहे हल्का, तभी इसकी आपको पाउडर तैयार करना है। तो पाउडर इसकी हल्की दरदरी तैयार करना, बिल्कुल भी बारीक तैयार ना करें। अब मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून पीली सरसों के दाने ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे काली सरसों के दाने भी ले सकते हैं, या फिर दोनों मिक्स करके भी ले सकते हो। तो अब मैं इसे हल्का दरदरा पीस लूँगी, बिल्कुल भी बारीक ना पीसे, हल्का दरदरा ही इसे रखे। अचार में थोड़े मोटे मसाले अच्छे लगते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ली हूँ और इसमें मैं सारे मसालों को निकाल लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पे रोस्ट किए हुए मसाले को इस तरीके से, ये देखिए दरदरा मैं पाउडर तैयार कर ली हूँ इसका। तो थोड़ा सा दरदरा ही इसका पाउडर तैयार करें फ्रेंड्स, जिससे कि आपके अचार काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और इसे भी मैं बोल में डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून कलौंजी डालूँगी, और 1 टीस्पून यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, और अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट। और अब मैं इन सब चीज़ों को ड्राई अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से इसे मिक्स कर ले मसालों को। तो ये देखिए, मसाले यहाँ पे हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक इस तरीके का पैन ली हूँ, और पैन में मैं 1 कप के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल को अच्छे से आपको एकदम गर्म करना है, जब तक कि इसमें धुआं ना निकलना स्टार्ट हो जाए तब तक इसे आपको गर्म करना है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा, इसमें देखिए 2 से 3 चुटकी के बराबर यहाँ पर मैं हींग डाल रही हूँ। हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इससे अचार भी ख़राब नहीं होता है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है, इसमें धुआं आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं गैस ऑफ कर ले रही हूँ। तो ये जब बिल्कुल ही ठंडा हो जाए तभी आपको इसको यूज करना है। अब मैं मसालों में आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे विनेगर का यूज भी कर सकते हैं। तो इसे अब मैं मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चाहो तो मसालों को थोड़ा सा टेस्ट कर सकती हो कि सॉल्ट अगर इसमें कम है तो आप थोड़ा डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे ऑयल भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है, बस मसालों को बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे ऑयल डाली हूँ, बस उतना ही ऑयल आपको डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब मैं यहाँ पर मिर्च के अंदर मसाले को भरूँगी। तो आपको यहाँ पर एक एक मिर्ची को लेकर इस तरीके से उसे फैलाते हुए आपको अपने हाथों की मदद से उसमें मसालों को भरना होगा। और जितना अच्छे से आप इसमें मसालों को भरोगे फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा टेस्टी आपका यहाँ पर अचार बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से हल्का हल्का इसे प्रेस कर ले। और ये देखिए, इस तरीके से ज़्यादा भी ओवर एकदम नहीं भरना है इसमें, नहीं तो वो बाहर निकल आएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे मिर्च के अंदर मसालों को भर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे मिर्च में मसाले को अच्छे से भर ली हूँ और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसी तरीके से आपको भी सारे मिर्च के अंदर मसालों को अच्छे से भरना होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे मैं एक ग्लास का जार ली हूँ। तो आप कोशिश करें फ्रेंड्स कि मिर्च के अचार को आप ग्लास के जार में ही रखें। कोई भी अचार आप जब तैयार करो तो उसे आप ग्लास के जार में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब मैं इसमें एक एक करके सारे मिर्च को डाल देती हूँ। तो अब हम इसमें तेल डालेंगे, जो हम लोगों ने पहले तेल तैयार किया था वही वाला तेल मैं इसमें डाल रही हूँ। तो 3 से 4 बड़ी चम्मच आप इसमें तेल डालें, ज़्यादा तेल बिल्कुल ना डालें, नहीं तो मसाले बाहर निकल आएंगे। तो अब आप चाहो तो इसे सनलाइट में 1 डे के लिए रख सकते हो, लेकिन इसे सनलाइट में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इसका कैप लगाकर आप ऐसे ही रख दो और 1 वीक में आपका ये अचार बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि बस डेली आपको थोड़ा सा इसे हल्का सेक करना है, जिससे कि ऑयल चारों तरफ फैलता रहे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये रेसिपी, रेड चिली पिकल की रेसिपी, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो और अगर आपके अंदर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर से बताएँ, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक वीडियो के साथ।